नमस्कार। उस्ताद अमीर खान साहब के शागिर्द पंडित डीपी टोके जी के सुपुत्र श्रीमान महेंद्र टोके जी आज हमारे साथ है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप यूं तो इंजीनियर हैं और ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं और शास्त्रीय संगीत में खास करके ख्याल में आपने निपुणता प्राप्त की है, कई सम्मान आपको मिल चुके हैं। अभी पिछले दिनों उदयपुर में गजल एकेडमी उदयपुर एवं महाराणा कुंभा संगीत समिति के द्वारा आपकी उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है। आपकी संगीत यात्रा कैसी रही, कैसे शुरू हुई? बचपन से घर में संगीत तो था ही जी, और मेरे दादाजी जो के वेद शास्त्र संपन्न और संस्कृत पंडित रहे, वो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की गायकी और उनके गाना बहुत पसंद करते थे। वो ये कहते थे कि उनकी जैसा गाने वाला कोई नहीं है जो सीधा ईश्वर के साथ अपने गाने से संवाद हमेशा करता है। सो बचपन से ही ये वातावरण घर पर रहा और मेरे पिताजी जो के स्वयं उस्ताद अमीर खान साहब के गायन से बहुत प्रभावित थे, बाद में 1952 में उनके संपर्क में आने के बाद उनकी शागिर्दी की और तब से वैसे फॉर्मली देखा जाए तो मेरी संगीत की शिक्षा बड़ी देर से शुरू हुई और पिताजी बहुत जल्दी, मतलब इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसके अर्ली मॉर्निंग एक जी उसके भी एक घंटा पहले से जगाते थे और 6:15 बजे तक ये सिलसिला स्वराभ्यास का चलता रहा लगभग 4.5 साल। शुरुआत के 8 दिन तो मैं, बाकी बहन भाई और माताजी सब लोग अच्छे से सो रहे हैं, मुझे अकेले को जगा रहे हैं। शुरुआत के 8 दिन मैं वापस जाके रो के सो गया। फिर 9वें दिन से मेरी माँ मेरे साथ बैठी 16वें दिन तक आ गई और ये बताते हुए कि तुमको अमीर खान साहब का गाना अच्छा लगता है ना, उनके जैसा गाना चाहते हो जी, तो ये करना पड़ेगा। तो इस तरह बड़ा, और माय फादर वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, बहुत कम बोलते थे कि नहीं चुने शब्दों का इस्तेमाल, और थोड़े से शिस्त प्रिय होने की वजह से उनकी जीवन शैली भी ऐसी ही थी। वैसे महाराष्ट्र कैडर सिविल सर्वेंट, पर अपने शौक को बहुत अच्छे से बरकरार रखा उन्होंने, अच्छी तरह से निभाया और साथ साथ हम बहन भाइयों को बहुत सख्ती से संगीत की शिक्षा, स्वरों का अभ्यास शुरुआत में करवा के बचपन से ही लॉन्ग रिकॉर्ड्स। मीर खान साहब की बरसी में बड़े बड़े गायक वादक हमारे घर पर आते हैं उनके समारोह में शिरकत करने के लिए, तो घर पर यूँ जमावट रहती थी संगीतकारों की। तो इस तरह संगीत का माहौल रहा बचपन से ही। फिर मेरे घर में पिताजी से दोनों छोटे भाई जो इंजीनियर रहे, एंड बेसिकली लेट मी से दिस, आई वाज फोर्स्ड टू बी एन इंजीनियर। आई नेवर वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, लेकिन माँ के ये समझाने के बावजूद मैं टेबल टेनिस में जैसे गाना शुरू किया, उसके पहले मैं टेबल टेनिस नेशनल्स खेल चुका हूँ सब जूनियर और जूनियर्स में महाराष्ट्र के एयर की ओर से। तो टेबल टेनिस ख़त्म हुआ, बंद कर देना पड़ा क्योंकि तब से रियाज शुरू हुआ मेरा और पापा की निगरानी में। तो ये सिलसिला लगभग 89 तक चलता रहा। तो उसके बाद फिर बाहर के परफॉर्मेंसेस, मीन भाई कुछ पुरस्कार भी मिले, फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स भी मिली और समारोह में शिरकत होने लगी। ऐसे धीरे 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 फिर नेशनल लेवल तक पहुंच पाए, सभी समारोह में आज तक मेरी हाजिरी हो चुकी है। अभी आपने जो जिक्र किया महाराणा कुंभा संगीत परिषद उदयपुर और गजल अकेडमी की ओर से जो बहुत अच्छा समारोह था,
लगभग 8 वर्ष के अंतराल के बाद मैं वहाँ परफॉर्म करने, मतलब ये समारोह में शिरकत करने गया था। मुझे कहने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कोई ये सम्मान के पात्र हूँ या नहीं, लेकिन संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और संगीत के अलावा कुछ नहीं करूँ, और संगीत ही मेरा ध्येय है, मेरा धर्म है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद उसके दखल उन लोगों ने, उन महानुभावों ने ली और मुझे वहाँ सम्मानित किया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और ये आपके सामने हूँ आज। महेंद्र टोके जी से हम बात कर रहे हैं। महेंद्र जी, आपने शास्त्रीय संगीत के विशेष प्रकार ख्याल की साधना की है, क्या है ये? ख्याल माने शब्दशः अर्थ देखा जाए तो सोच, विचार। और मेरे ख्याल में ख्याल का अर्थ है मैनिफेस्टेशन ऑफ इनरमोस्ट थॉट्स विथ इक्वल इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। और किसी भी राग के नोट्स में अपने आप की सोच को, अपने आप को के विचारों को ढालना और सूक्ष्म श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना, इसको मैं ख्याल कहता हूँ। इसमें वर्ड्स भी अंतर्भूत हैं और शब्दों में श्रृंगार रस से लेके शांत रस तक, भक्ति रस तक जितनी भी रचनाएँ हैं वो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। ख्याल की उत्पत्ति वैसे कहा जाए तो ग्रेट गोस टू अमीर खुसरो साहब, जो लगभग 250 साल पहले की बात है। उसमें मतमतांतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले तो ध्रुपद धमार शैली प्रचलित थी। कई लोग, कई विद्वान ये भी मानते हैं कि उसी में से ख्याल की निजात हुआ, लेकिन हजरत अमीर खुसरो का ये कंट्रीब्यूशन रहा, तो ख्याल को आज का जो स्वरूप है वो देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ फरमाना चाहेंगे आप? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने जो सभी घरानों की गंगोत्री है मानी जाती है, उनके एक बहुत बड़े रचनाकार साधारण अधारण, उनकी एक छोटी सी रामकली राग पर आधारित रचना है, जोगी का के मीत भैलवा, जोगी का के मीत भैलवा, जो कोई वासो प्रीत करे सो ही बड़ो नादान, जोगी काके मीत भैलवा, जोगी काके मीत भैलवा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका संपर्क सूत्र दीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है tokemahendra@gmail.com। महेंद्र टोके जी से हम बात कर रहे हैं। महेंद्र जी, आपने शास्त्रीय संगीत के विशेष प्रकार ख्याल की साधना की है, क्या है ये? ख्याल माने शब्दशः अर्थ देखा जाए तो सोच, विचार। और मेरे ख्याल में ख्याल का अर्थ है मैनिफेस्टेशन ऑफ इनरमोस्ट थॉट्स विथ इक्वल इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। और किसी भी राग के नोट्स में अपने आप की सोच को, अपने आप को के विचारों को ढालना और सूक्ष्म श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना, इसको मैं ख्याल कहता हूँ। इसमें वर्ड्स भी अंतर्भूत हैं
और शब्दों में श्रृंगार रस से लेके शांत रस तक, भक्ति रस तक जितनी भी रचनाएँ हैं वो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। ख्याल की उत्पत्ति वैसे कहा जाए तो क्रेडिट गोज़ टू अमीर खुसरो साहब, जो लगभग 250 साल पहले की बात है। उसमें मतमतांतर है क्योंकि हिंदुस्तान में पहले तो ध्रुपद धमार शैली प्रचलित थी। कई लोग, कई विद्वान ये भी मानते हैं कि उसी में से ख्याल की निजात हुआ, लेकिन हजरत अमीर खुसरो का ये कंट्रीब्यूशन रहा तो ख्याल को आज का जो स्वरूप है वो देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ फरमाना चाहेंगे आप? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने जो सभी घरानों की गंगोत्री है मानी जाती है, उनके एक बहुत बड़े रचनाकार सदारंग अधारंग, उनकी एक छोटी सी रामकली राग पर आधारित रचना है, जोगी का के मीत भैलोवा, जोगी का के मीत भैलोवा, जो कोई वासो प्रीत करे सो ही बड़ो नादान, जोगी का के मीत भैलवा, जोगी का के मीत भैलवा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका संपर्क सूत्र दीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है tokemahendra@gmail.com और मेरा सेल नंबर है 9879433699। मैं 1996 में 5 देशों में मेरे सफ़र रहा कॉन्सर्ट्स के लोग को लेकर। रेडियो फ्रांस का मेरा एक कॉन्सर्ट जो लोगों ने बहुत पसंद किया पेरिस में जो था क्षेत्र दराबिल में, जो लोगों के पत्रों पर रीब्रॉडकास्ट करना पड़ा उन लोगों को, तो यूरोपियन लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जो बेसिकली मन को शांति देने वाला है, आपको अंतर्मुख करने वाला है, ये बहुत पसंद करते हैं लोग और बड़ी गहराई से उसके बारे में और निष्ठा से करने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में आके सीखते भी हैं और वहाँ जाके अपने संगीत की विद्या दान में लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो सीखते हैं उनसे आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, कुछ टिप्स ख्याल के छात्रों के लिए? टिप्स तो क्या कहें, रोज का रियाज, नियमित रियाज, चाहे पहाड़ टूट पड़े बाजू में लेकिन 4 से 6 घंटों का अपना खुद का रियाज, उसमें सूर्योदय के पूर्व का और इन एडिशन टू दैट दिन में जितनी देर तक अपने तानपुरे के साथ रह पाए वो ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़, संगीत आपको अच्छा इंसान बनाने में बहुत मदद करता है, आपके अंदर के बिटरनेस, आपके अंदर की जो कोई नेगेटिविटी होगी विचारों से लेके आदतों तक, सब कुछ धीरे 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 कम होती जाती है और देर इज एवरीथिंग इन आवर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू बी इंटरनलाइज्ड। उसके बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, एक्सप्रेस करना मुश्किल है क्योंकि ये सारी अनुभूति की चीज़ें हैं, उसको अपनाना
टू इम्बाइब इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, उसको उसको पर्याय शब्द हिंदी में बहुत ही सुंदर शब्द है आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब जो आपके आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसको अपने रूह में बसाना। इसे एक बड़े शायर का शायर हमेशा एक कहा करते थे, नगमा वही नगमा है जो रूह सुने और रूह सुनाए। तो ये रूह से रूह तक की का प्रवास है और उसका आपस में संवाद है। ये कितने जिम्मेवारी से करने की चीज है, कम से कम 20-25 साल की सीख और उसके बाद उस पर उतना मनन चिंतन और उतना रियाज, तभी कोई अच्छा डिजाइन निकल कर बाहर आ सकता है। जैसे हमारे सांस चलती है तब हम जिंदा है, वैसे हमारा रियाज चलता रहेगा, मनन चिंतन होगा उसके बारे में, तो संगीत जिंदा रहेगा। बस आध्यात्मिक विकास सहज हो जाता है शास्त्रीय संगीत की साधना से, ऐसा आपका मानना है कि या इसका ध्येय ही यही है? जी, बड़ी मजबूती से, और मैं इसमें बहुत गहन विश्वास रखता हूँ, क्योंकि एक ऊपरी तौर पर बात करूं तो ये प्रैक्टिकली आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो जब आप तानपुरी के साथ होते हो, और ये खुद के साथ रहने की रहने का मौका देता है हर क्षण आपको। तो और एक्सप्लोर करते जाइए करते जाइए, जिसका कोई अंत नहीं है, तो बड़ा आनंद है। और ये आप गा के ही उसको प्रभावी ढंग से प्रभावी रीत से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से शब्दों में बयान मेरे ख्याल से किया नहीं जा सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया।